हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिक्स मसाला फिक्स में। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, उसका नाम है खस्ता मठड़ी, या फिर इसको सलोनी भी बोल सकते हैं आप। मैंने इसके लिए यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, और इसके बाद में मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैदा खाने के बाद में किसी के पेट में दर्द होता है या मैदा आसानी से नहीं पचता है, इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे ताकि इसको खाने के बाद में कोई दिक्कत ना हो। और आप इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं, मगर अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक। हम सबको मिक्स करते हुए मैं इसमें मोइन डालूँगी। मोइन मतलब मैं यहाँ पर तेल डालूँगी। तेल मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून तेल। खस्ता मठड़ी के लिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा तेल लिया है। अगर आपको कुरकुरी मठड़ी बनानी है तो आप तेल कम डाल सकते हैं, मगर सबको खस्ता मठड़ी ही पसंद आती है खाने में, बच्चों को खास तौर से बहुत अच्छी लगती है। आप इसको दूध के साथ में, चाय के साथ में बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई मसाला इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैंने फीकी ही बनाई है, बच्चों को फीकी मठड़ी ही अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, मगर बच्चों को यही पसंद आती है। सभी को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ, और इसका ये ऐसे चेक करना होता है कि इसको हाथ में लेके एक लड्डू बन गया है इसका, और इसमें डालेंगे तो आसानी से टूटता नहीं है। इसका मतलब इसमें अच्छे से हमारा मोइन लग गया है, मतलब तेल अच्छे से हमने डाला था ना, तो अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम एक इसका आटा लगा देते हैं, आटा गूंद लेते हैं। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही हम आटा गूंदेंगे। मठड़ी या सलोनी तो ऐसी चीज़ है कि किसी भी त्यौहार पे हमारे यहाँ बनती है, और ये बहुत जल्दी से बन जाती है, और त्यौहार हो ना हो रोज़ मतलब खाने में काम आती है थोड़ी सी। बस थोड़ा सा टाइट आटा इसका लगाना है, नहीं तो अगर नरम आटा लग जाएगा तो मठड़ी मतलब ऐसा लगेगा जैसे पूड़ी खा रहे हैं आप। तो थोड़ा सा टाइट आटा इसका लगाना है, नरम नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइट। बस इसको अब मैं 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए और मठड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो मैं 1/2 घंटा इसको ढककर रख देती हूँ। आधा घंटा हो गया है, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 कप तेल डाला है। अब मैं आटे को देखती हूँ, देखिए कितना फूल कर तैयार हो गया है ये। पूरा वाइट कलर का हो गया है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर ली है एक थाली, इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ ताकि जब हम मैदे की रोटी बनाएंगे तो इस पर चिपके नहीं। अच्छे से इसको हम बेलन से इसकी एक रोटी बनाएंगे बड़ी। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना ली है।
सबसे अच्छा नाश्ता है, इसमें बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। इसको आप आराम से 15-20 दिन के लिए बना सकते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है, मैंने यहाँ पर अभी एक कप ही लिया है मैदा, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा मैदा लेके इसको बना सकते हैं और डिब्बे में भर कर इसको रख सकते हैं। आराम से 15-20 दिन तक आपकी मठड़ी चलती है, कहीं सफ़र में जाओ तब भी आप ये ले जा सकते हैं। फिर मैंने इसकी पतली पतली ऐसे गाठियाँ बना लिए हैं। मैं घोल मठड़ी भी, इसको बस शेप देना होता है, अगर इसको मैं घोल घोल बना दूँ तो वो मठड़ी बन जाएगी। मैंने इसको लंबे लंबे काट लिए हैं तो ये गाठिए बन गए, बस नाम का फ़र्क है। इस तरह से मैंने इसको लंबे लंबे काट लिए हैं। इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसको सबको तेल में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको क्या है कि मीडियम फ्लेम पर ही हमको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आपने गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर दी तो ये ऐसे सिकने में तो सिक जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा, मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे, थोड़ा तलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए एक बार हम इसको देखेंगे क्या हुआ, कलर तो अभी वैसे चेंज नहीं हुआ है, इसका ब्राउन कलर हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर। थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। इसको बार बार पलटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जलने का इसका ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चेक कर लें कि बनी है या नहीं बनी। देखिए कलर चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन कलर की होने लग गई है। थोड़ी देर और हम इसको फ्राई करेंगे। मठड़ी का कलर चेंज होने लगा है गाठिए का। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है तलने में, तेज आँच पर तो मैं अभी 5 मिनट में मठड़ी सारी तल कर तैयार हो जाती है, मगर वो अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए मैंने तेज यहाँ पर आँच नहीं करी, कम आँच पे ही मैंने इसको तला है। मगर एक बार की मेहनत 15-20 दिन तक आराम से ये चल जाती है। ये देखिए कलर कितना प्यारा कलर आ रहा है, बादामी कलर करना है इसको, मतलब लाइट ब्राउन कलर। बस बस ये तैयार हो गई है, हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। देखिए दिखने में कितनी प्यारी लग रही है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है ये।
अब सभी को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और गर्म, इसको डिब्बे में नहीं भरना है, नहीं तो ये नरम हो जाएगी। इसको डिब्बे में आप आधा घंटे बाद में भर सकते हैं, पूरी ठंडी होने के बाद में इसको डिब्बे में भरें। ये देखिए सारी मठड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम जो थोड़ी बहुत और बची है उनको सबको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सभी मठड़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप सभी को इसी तरह से फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल खस्ता बनी है। ये देखिए जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे और खस्ता बन जाएगी, अभी थोड़ी गर्म है इसलिए, बहुत गर्म है इसलिए मैं तोड़ के नहीं बता पा रही हूँ। तो ये हमारी आज की रेसिपी तैयार है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाइए, आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेकर बनाइए ताकि आपके 10-15 दिन आराम से चल सके। मैंने यहाँ पर 1 कप ही मैदा लिया है इसलिए इतनी ही बनी है।